हेलो हेलो आवाज है। हेलो 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 एंड वेलकम टू ऑल ऑफ इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? आज की इस सेशन में हम लोग एक नई उम्मीद के साथ, एक नई तैयारी के साथ और एक नए लक्ष्य के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं आपके सामने। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहल वर्ड अपने आप में एकदम स्पष्ट है। पहल का मतलब होता है शुरुआत करना। तो आज हम लोग एक शुरुआत अपनी तरफ से कर रहे हैं और इस उम्मीद में कि आप भी अपनी तरफ से वो शुरुआत करोगे हमारे साथ, और वो शुरुआत है इस टारगेट को कंप्लीट करने की। ये जो 100 नंबर का टारगेट है, इस टारगेट को कंप्लीट करने की, ये 100 नंबर का टारगेट कि साइंस में अब की बार 10th में हमें 100 में 100 लाना है साहब। तो एनी हाउ जितनी भी मेहनत लगेगी हम लोग करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो टारगेट है, ये जो हमारा भी सपना है, आपका सपना है, आपके घर वालों का सपना है, उसे जरूर पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, क्लास के दौरान हम आपको बहुत सारी बातें बताते रहेंगे, लेकिन अभी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर इस सीरीज में आपको साइंस और सोशल साइंस, इन दोनों की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप आगे बताएंगे तो फिर मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इन सब के लिए भी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें बेसिकली जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वो दो चीज़ है। एक तो टेस्ट सीरीज चलेगी। टेस्ट सीरीज में क्या होगा? क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन के आंसर सारा कुछ हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। आपको समय देंगे, आपके साथ 2 घंटे 3 घंटे जो भी लगने हैं साहब, एकदम एग्जामिनेशन जो जैसा होता है ना, वैसा इन्वायरमेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे, और आपके साथ लग करके पढ़ाई करेंगे, हम भी आप भी। ठीक है, टेस्ट सीरीज होगा। इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है PYQ, उसको हम लोग सॉल्व कराएंगे। ठीक है, सारे PYQ लगभग हम लोग यहाँ पे टारगेट मान के चले हैं कि 10 ईयर्स। और आप याद रखिएगा कि जो आपको आंसर की मिलेगी वो आंसर की होगी जो बोर्ड प्रोवाइड कराता है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे एकदम एग्जैक्ट उसी मॉडल पे आपको हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएं, पूरी मार्किंग स्कीम के साथ, जिससे कि आपको आंसर राइटिंग में एकदम विजन आपका क्लियर हो जाए कि हाँ आपको लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है। चाहे वो साइंस की ही बात हो, SST की बात हो, या हिंदी, इंग्लिश, मैथ, किसी की भी, क्लियर। तो हम पूरी मार्किंग स्कीम के साथ आपको चीजों को दिखाएंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस समझ में आएगा कि साहब हमको लिखना कैसा है। क्लियर है ना? तो इन सब चीजों को करते रहेंगे, लेकिन आज जिस मोटो से हम लोग आए हैं कि आज एक शुरुआत करेंगे, और वो शुरुआत आज हम कर रहे हैं। फिर से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस क्लास में बैठेंगे, कॉपी पेन लेकर के, और पहले जैसा भी कहते आए हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हम लोग आज ये शुरुआत करते हैं। ओके, तो टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत तेजी से इस पूरे टॉपिक को इस तरीके से कवर करें कि अगर आप नहीं भी पढ़ें एक बार तो आपको सारी चीजें एकदम तैयार हो जाएं आज की क्लास में। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। डेफिनेशन एकदम क्लियर है। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है साहब? लाइट का आना और किसी सरफेस से टकरा करके चले जाना, यही क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। तो यहाँ पे हम सिंपली देख रहे हैं कि लाइट आ रही है, इस मिरर से टकरा रही, सरफेस से टकरा रही है, टकरा करके वापस चली जा रही है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, और इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जिस सरफेस से लाइट टकरा करके वापस जा रही है, उस सरफेस को हम क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस नाम देंगे। तो द प्रोसेस ऑफ
bouncing back of light ray from a reflecting surface is called reflection of light. जैसा कि आप देखते हैं कार का जो साइड मिरर होता है रियर व्यू मिरर, उससे हम पीछे की ओर देखते हैं तो वो भी क्या है, एक मिरर ही है जिसकी सहायता से हम पीछे से आती हुई गाड़ियों को देख सकते हैं, टर्निंग पर मदद ले सकते हैं. क्लियर है? आप घर में मेकअप के लिए जो कांच यूज करते हो, जो कांच यूज करते हो उसे, वो भी क्या है, मिरर है, वहां पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो कोई भी चीज अगर हमें आपको दिख रही है साहब तो वो रिफ्लेक्शन ही है. जैसे लाइट हमारे चेहरे पे पड़ रही है और पड़ करके रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है आपके पास और आप देख पा रहे हैं. क्यों? ड्यू टू रिफ्लेक्शन. ओके, तो ये याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि साहब ये एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन. सीधा सीधा पूछेगा, ये फिगर बनाओ, ये लाइन लिखो, आपको सीधा सीधा नंबर मिल जाएगा. ओके, ध्यान देना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या ध्यान देना है कि जो लाइट रे आएगी, मैं थोड़ी बिट बढ़ा देता हूं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से विजिबल हो सारी चीजें. जो लाइट रे आएगी उसका नाम होगा इंसिडेंट रे. क्या नाम होगा? इंसिडेंट रे. जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होगी वो होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. और इस सरफेस से टकरा करके वापस जो लौट करके जाएगी उसी मीडियम में, वो होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे. क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद जा रही है रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, जिस पॉइंट पर आई है उस पॉइंट पे अगर एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? नॉर्मल. मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूं, इसे थोड़ी विड्थ बढ़ा देते हैं साहब जिससे विजिबिलिटी आप लोगों को अच्छी मिले. हाँ, ये ठीक है. ओके, ये क्या है? नॉर्मल. याद रहेगा बिल्कुल, जो लाइट रे आ रही है इंसिडेंट रे, जिस सरफेस से टकरा रही है वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में, जैसे अगर ये एयर था और इसके नीचे वाटर है, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि लाइट आई इसी सरफेस से टकराई, टकरा के वापस उसी मीडियम में चली गई, हमने बोला क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे हो रहा है. इसमें खास बात देखने वाली क्या है? खास बात देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे मीडियम में चेंज नहीं हो रहा है, यानी नो चेंज इन मीडियम. रिफ्लेक्शन में खास बात क्या है? मीडियम में चेंज नहीं होगा, याद रखना. और लाइट रे एक ही मीडियम में है तो अगर ये वी स्पीड से आई है तो वी स्पीड से वापस भी जाएगी, क्योंकि एक मीडियम में स्पीड की लाइट एक ही होती है. यानी नो चेंज इन इट्स, नो चेंज इन इट्स स्पीड. इसके स्पीड में भी कोई चेंज नहीं होगा. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. बेटे सबको गुड इवनिंग. मैंने फिर से कहा था कि आप लोग अपने नाम से ऐड होंगे, ठीक है? ओके, चलिए अपने सभी फ्रेंड्स को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और जल्दी क्लास में बने रहिए कॉपी पेन के साथ. ये फुल रिवीजन आपका होना बहुत जरूरी है बच्चे, ठीक है? तो ये दोनों बातें याद रखिएगा. तीसरी बात क्या है? रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, याद रखना. यानी नो चेंज इन फ्रिक्वेंसी, नो चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट. लाइट की फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता. अगर फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस इसकी एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा. तो नो चेंज इन एनर्जी ऑफ लाइट, यानी लाइट की एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा. चेंज तो किस में आ रहा है? तो साफ चेंज आ रहा है और साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है. क्या दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा देखिए ध्यान से मेरे साथ. लाइट आई और ये वापस जा रही है. देखिए, लाइट के आने की जो डायरेक्शन थी वो ये थी, लेकिन जब लाइट टकरा करके वापस जा रही थी, इसकी डायरेक्शन जो देख रहे हैं हम वो बदल गई. तो लाइट की डायरेक्शन बदल जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद. तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद होगा डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट विल चेंज आफ्टर रिफ्लेक्शन. क्लियर? ये बात इसमें
खास आपको याद रखनी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में डायरेक्शन चेंज होता हो जाती है साहब, बाकी सब क्या रहता है, सेम रहता है, बाकी सब में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ क्या चेंज होता है, डायरेक्शन। तो आगे बढ़ते हैं, और इसमें खास बात एक चीज और देख लो, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल को बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं, आई, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे क्या बोलते हैं, आर। तो याद रखिएगा इस आई को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस आर को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन यहां से आता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे सारा चीज फिगर पूरा बना हुआ है, जो चीज अभी मैंने बोला है वो पूरा पूरा इसमें बना हुआ है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद का टॉपिक आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, तो रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, एक सेकेंड मैं एक पेज ले लूं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या कहता है, ये बात, रिफ्लेक्शन का पहला लॉ कहता है कि एक सेकेंड ये तो दिख ही नहीं रहा है, दिखेगा कौन, ये कलर दिखेगा, चलिए हाँ, तो ये जो लाइट आ रही है इसका नाम क्या बेटे, इंसिडेंट रे, क्या नाम है, इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे आया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर तो नॉर्मल कहलाती है, और लाइट टकरा के वापस चला जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड, पूरा लिखेंगे रिफ्लेक्टेड रे, चलो जल्दी से देखो ये क्या होता है, एंगल आई, और ये क्या होता है, एंगल आर, ओके इतना ध्यान रखेंगे, तो इंसिडेंट रे, एंगल आई, एंगल आर, नॉर्मल, ये तो आपको बनाना ही है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसको आप ऐसे हैचिंग कर दें। याद रखना ये जो हैचिंग है, क्या मैं बोला, ये जो हैचिंग, ये देखो लाइन ऐसे ऐसे छोटी छोटी खींची है ना येलो कलर की, ये हैचिंग जो है, ये हैचिंग पॉलिश्ड सरफेस को शो करती है, किसको शो करती है, एक नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये किसको शो करती है, पॉलिश्ड सरफेस को शो करती है, ओके, तो इसको दिमाग में बिठा करके आपको रखना है। तो चलो साहब जल्दी देखो, पहला लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये किसके बराबर होगा साहब, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, बराबर, यानी आई किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। तो फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके जी, जिसको डाउट है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ओके कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिसको जो डाउट हो, इसको जो पूछना हो, आप यहां पे लिख दीजिए, आप आसानी से पूछ सकते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया जाएगा। चलिए, तो एंगल आई, एंगल आर के क्या होगा, बराबर। दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये बात याद रखना कि तीनों लॉ, तीनों ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीन के तीनों कहां होंगे, एक प्लेन में होंगे, ये तीनों कहां होंगे, सेम प्लेन पर होंगे, ठीक है, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। एक सेकंड, ये पहले कलर ही मैं हटा देता हूं इसको, हाँ अब ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन है, एक देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का, कितने का, 60 डिग्री का बन रहा है। हट जाइए भाई बेटे, देखिए 60 डिग्री का, तो बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई की वैल्यू कितनी होगी, और ये क्या होगा आर, चलो यानी आई प्लस आर इज इक्वल टू कितना दिया है 60। हम दोनों जन को पता है, हमको भी और आपको भी पता है साहब, क्या पता है कि एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कब, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में आई और आर क्या होते हैं बराबर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आई प्लस, इस आर को भी क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं 60, तो 2i इज इक्वल टू 60, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया साहब 30 डिग्री हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, तो अगर i 30 है तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आएगा, वो भी 30 डिग्री आएगा, इसका मतलब क्या है i यहाँ पे 30 डिग्री होगा और r अगर पूछा गया होता तो ये भी कितना होता 30, और इन दोनों का बीच का एंगल कितना होगा 60। तो यहाँ से एक चीज पता चला, क्या पता चला, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, क्या मैंने बोला एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे वो कितना होगा, वो आई प्लस आर या टू आई या टू आर के क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है, याद रखना ये चीज मैंने क्या बताई, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है याद रखना, कितना आई प्लस आर इज इक्वल टू टू आई इज इक्वल टू टू आर, ओके इस बात को आप दिमाग में बिठा करके रखेंगे। किसी का डाउट था बट वो पूछ नहीं रहा है, मोनिका सिंह, इनका एक डाउट है बट ये पूछ नहीं रही है साहब। अच्छा फर्स्ट लॉ रिपीट करिए, फर्स्ट लॉ इसमें जो था यही बताया मैंने कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में जो इंसिडेंट रे होती है नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से उतना ही एंगल बना के जाती है, दैट्स वाई आई इज इक्वल टू आर, ओके यही हमने बोला। ओके कर दिया मैं ही रिपीट हमने, चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई आप लोग, किस क्वेश्चन मतलब इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो बता दे रहा हूं। डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है पूछा जाता है, याद रखिएगा। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, दोनों आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, पहला लॉ बताएंगे द फॉर रिफ्लेक्शन या इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि अभी हमने देखा। दूसरा आप लॉ बताएंगे इंसिडेंट रे, क्या बताएंगे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन, तीनों क्या होते हैं एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, ये आप बताएंगे। ओके इसके बाद एक्सप्लेन द टर्म एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये जो एंगल होता है साहब, इसे ही हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। कई बार मैंने बताया अभी तक फिगर में, चार बार पांच बार तो हम बना ही चुके। ओके इसको दिमाग में बिठा के रखिएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे जो पूछती है वो देख लीजिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर मिरर पे 30 डिग्री से स्ट्राइक कर रहा है, ये मिरर है देख लीजिए, हालांकि ये हमें करना नहीं चाहिए लेकिन बताया जा रहा है, देख लीजिए स्ट्राइक्स एट अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पे मान लो ये आ रहा है लाइट कितने एंगल पे, प्लेन मिरर से 30 डिग्री बना रहा है, ध्यान देना इसमें बोला गया है प्लेन मिरर एट 30 डिग्री, तो प्लेन मिरर से 30 डिग्री नॉर्मल क्या है परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल अगर परपेंडिकुलर है तो मेरे भाई जल्दी से देखो और बता दो मुझे कि अगर ये नॉर्मल आपका
ये एंगल टोटल 90 है और ये 30 हो गया, तो ये वाला कितना बचा 60, और यही क्या बन गया आपका आई। ओके ये क्या बन गया आपका आई। तो अगर ये 60 बन गया तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो क्या पूछ रहा है, क्या पूछा भाई, ये तो देखा ही नहीं हमने, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा था। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना निकलेगा 60 डिग्री निकलेगा। ओके याद रखना, बहुत छोटा सा चीज है। चलो देखिए, ओ लूसीफर मॉर्निंग स्टार, बहुत सही, वेरी गुड। ओके चलिए दूसरा, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 45, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 45 है तो हम सबको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई अगर 45 है तो नो डाउट आर भी आपका कितना होगा 45। बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल, ये सब पीवाईक्यू के क्वेश्चन हमने दिए हैं आपको टॉपिक वाइज पे। डायग्राम बेस्ड क्या है भाई, ड्रॉ लेबल डायग्राम शो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन। भाई देखिए ये हमने ड्रॉ किया हुआ है प्लेन मिरर पर। अब ध्यान देना, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आप फिगर बना देते हैं, नेम नहीं लिखते हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे है। एरो बनाना पड़ेगा कि लाइट रे आ रही है, लाइट रे जा रही है, ये आई है, ये आर है। आई क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कई बार अभी हमने बताया इसलिए मैं ऐसे लिख दिया, क्लियर है, ये आपको बनाना पड़ेगा। इस वजह से ऐसा करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा साहब, नंबर आपका कटेगा नहीं, ऐसे समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये इससे फिगर बेस्ड क्वेश्चन आता है। इलस्ट्रेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन डायग्राम, डायग्राम में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। तो कुछ नहीं करना है, यही डायग्राम कहाँ गया, हाँ ये है, ये डायग्राम बनाइए, ये आई लिखिएगा, ये आर लिखिएगा, बगल में आई इज इक्वल टू आर लिख दीजिएगा, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सेम डायग्राम आपको बनाना है। ओके इस डायग्राम को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, इस डायग्राम को डिफरेंट डिफरेंट वेज से पूछ रहा है। एक्चुअली मैं उधर देखने लगता हूं, उधर क्योंकि स्क्रीन है तो मुझे लगता है कि आप लोग वहीं पे हो। ओके तो कोई नहीं, जैक स्पैरो, बहुत अच्छा क्वेश्चन इनका आया है, डाउट है, और डाउट यह कि सर 100 में 100 कैसे पाया जाए साइंस में। तो एक बहुत बेहतरीन टेक्निक है, सोने के बाद पढ़िए और उठने के पहले पढ़िए, आपका 100 में नहीं 100 नहीं 200 आएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए भाई, देखिए क्या दिया है, पूछा है कि साहब अगर ये क्वेश्चन 56 डिग्री दिया है, एक लाइट रे किसी सरफेस से 50 डिग्री पर आ रही है, तो आई पता करो, आर पता करो, ये क्यू पता करो। तो अगर ये 56 है तो आपको टोटल पता है कि ये टोटल एंगल कितना होगा 90 में से 56 घटा देंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, और ये है कौन, आई। तो 0 गया 4 और ये 8 3, तो 34 डिग्री आई निकला, तो 34 डिग्री अपना क्या मिलना है, आर, ठीक है। जाहिर सी बात ये भी कितना निकलेगा 56 डिग्री निकलेगा, डन। बहुत छोटा सा सवाल था, ये इस तरीके से पूछा था, फिगर में बना था तो हमने लगा दिया धड़क से। ओके हेलो शिवम, स्वागत है भाई आपका क्लास 10th में। चलिए देखिए, ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द एंगल मेड बाई द सिस्टम ऑफ टू मिरर, ये दो मिरर हैं, ये एक मिरर ये है, दूसरा मिरर ये है, ये ऐसे किसी सर्टेन एंगल पे ऐसे है, कितना एंगल है वो एग्जैक्ट बताया नहीं है, और फिगर देख के कभी हम एंगल डिसाइड नहीं करते कि अरे सर ये तो ऐसे बना है इसका मतलब 90 ज्यादा होगा, 120 करीब में होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिगर देख के हम एंगल डिसाइड नहीं करते,
कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा उसको मानेंगे. डन, आगे बढ़िए. तो टू मिरर शोज इन फिगर बिलो सो दैट द इंसिडेंट रे एट ए, ए पर इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल. यानी ये जो इंसिडेंट रे आ रही है ए पर और रिफ्लेक्टेड रे है जो ये बी पर, ये दोनों पैरेलल हैं. ये बहुत गजब की बात है, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं. अच्छा चलिए एक चीज बताइएगा, ये है पैरेललोग्राम. ठीक है, कोई हिंदी मीडियम का होगा साहब तो इसे समांतर चतुर्भुज बोलते हैं. ठीक है, आमने सामने के पैरेलल है साइड बी सी डी, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, और बराबर भी होते हैं, उससे मतलब नहीं है. ये ध्यान दो, पैरेललोग्राम में ये वाले जो एंगल होते हैं बेस के, या दो पेयर ऑफ एंगल अगर लेंगे एक साथ तो इनका सम कितना आता है, 180 आता है. कितना आता है, लीनियर पेयर एक तरीके से बना देते हैं ऐसा समझो. तो ये दोनों लीनियर पेयर, ये नहीं होता है लीनियर पेयर, तो भाई एक पॉइंट पर बनना चाहिए, ये और ये लीनियर पेयर बना रहा है. बट हम ये करें कि इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा. तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और मैं यहां से इस वाली लाइन के पैरेलल अगर सोचूं कि एक लाइन होती तो ये पैरेललोग्राम बनता. पैरेललोग्राम में ये एंगल और इस एंगल का सम कितना बनता, टोटल 180 बनता. अच्छा 180 को ये नॉर्मल जो है इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटती, ये नॉर्मल इस वाले एंगल को दो बराबर भागों में बांटती, सही बात है कि नहीं. और इन चारों का सम x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये कितना आता, 180 आता. तो 4x इज इक्वल टू कितना आता, 180. x इज इक्वल टू कितना आता साहब, 45. कितना आता, 45. सर x इज इक्वल टू 45 आ गया, यानी ये 45, तो ये भी 45, ये भी आपका 45 और ये भी आपका 45. ये 45 है तो ये भी कितना, 45. ये भी कितना, 45, क्योंकि ये टोटल तो 90 बनता ना बेटे, तो ये 45 हो गया, तो ये भी कितना बचा, 45. अगर ये 45 है तो ये भी कितना हुआ, 45 90. तो ये एंगल कितना बन गया, 90. इसका मतलब अल्फा की वैल्यू जो है वो आपकी 90 डिग्री है, वही आपसे पूछ रहा है. ये दोनों एंगल, सॉरी ये दोनों मिरर एक दूसरे पर कितने एंगल से इंक्लाइंडेड थे, यही आपसे पूछा था. तो उसका आंसर कितना निकल करके आया, 90. आई होप आपको समझ में आया होगा. ईशान पांडे 68. ओ गड़बड़ हो गया भाई, थोड़ा ध्यान दें. आशुतोष पांडे, हाय आशुतोष कैसे बेटे. चलिए ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए. मैंने कल भी बात की थी आपसे, और आज भी मैं यही कह रहा हूं कि आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो आप पीछे नहीं, बहुत पीछे हो जाएंगे. सो प्लीज ध्यान दीजिए. ओके आगे बढ़ते हैं साहब. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरीके की होती है, एक रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सारी चीज पढ़ाई गई आपको क्लास में, मैं रिवीजन करा रहा हूं लेकिन इस तरीके से सोच रहा हूं रिवीजन कि अगर कोई नया बैठे क्लास करने को तो उसको भी सारी चीजें समझ में आ जाए. ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे या इसे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं. ठीक है, स्पेकुलर या रेगुलर एक बात, इररेगुलर कहें या डिफ्यूज एक बात. मतलब क्या है, अगर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे इंसिडेंट करें, आप सीधे सीधे देख रहे होंगे कि यहां पर ये लाइट रे कैसी इंसिडेंट हो रही है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ये लाइट रेस पैरेलली आ रही हैं और रिफ्लेक्शन के बाद भी कैसी हैं, पैरेलली. तो हम कहेंगे कि यहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है. क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है. यानी पैरेलल लाइट रेज अगर रिफ्लेक्शन के बाद भी एक दूसरे के साथ पैरेलल ही है तो हम कहेंगे कि लाइट रेस कैसी है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे हो रहा है. लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि लाइट रेस पैरेलली आ रही हैं, कैसी आ रही हैं, पैरेलली आ रही हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये फैल जा रही हैं, ये क्या हो जा रही हैं, फैल जा रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चली जा रही हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो बात सही होगी, पैरेलल लाइट रे आए रिफ्लेक्शन के बाद भी आपस में पैरेलल रहे, इसका मतलब क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन.
पैरेलल लाइट रे आए लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के साथ पैरेलल न रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, इसको याद रखना बेटे, एग्जाम में पूछा जाता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कुछ खास बातें आपको याद रखनी होगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे, जिसे हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे भी बोलते हैं, मैंने दो बार तीन बार अभी आपको बताया, याद रखना। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिमेन्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे होती है, रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या होती है, पैरेलल, जो कि फिगर में दिखाई दे रहा है। रिफ्लेक्शन के पहले भी ये पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद भी ये कैसी है, पैरेलल ही है। सो याद रखना, रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल इन वन डायरेक्शन। ध्यान से देखो, इंसिडेंट रेज सभी इस तरफ आ रही है, सभी नीचे की ओर आ रही है। रिफ्लेक्ट होकर के जब ये जा रही है तो सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है। क्लियर? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। सो आगे, इट अकर्स ऑन ए स्मूथ प्लेन सरफेस। कंडीशन पूछता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां पर पॉसिबल है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे जो पॉसिबल है, सॉरी, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे कहां पॉसिबल है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे पॉसिबल है स्मूथ प्लेन सरफेस पर। कहां पे पॉसिबल है, स्मूथ प्लेन सरफेस पर। चलिए इधर ध्यान दीजिए प्लीज, आप लोग बच्चों वॉइस आ रही है, जल्दी से बताएं एक बार। सॉरी बेटे, थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था, बट कोई नहीं, एवरीथिंग इज ओके। सो आगे देखिए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे कहां पॉसिबल है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे स्मूथ सरफेस पर पॉसिबल है। याद रखना सबसे खास बात, रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्म होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्म होता है। और आपसे कोई पूछे कि साहब कोई एग्जाम्पल बताइए कि कहां, जहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा हो, तो रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। प्लेन मिरर पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और वहां पे इमेज फॉर्म होगी, और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का क्या है, फिगर है। आगे बढ़िए, इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे, इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे बोलते हैं। In irregular reflection of light ray, parallel beam of light ray does not remain parallel after reflection. जैसा कि फिगर में देख रहे हैं कि light rays parallelly आ तो रही हैं, लेकिन reflection के बाद ये अलग-अलग direction में क्या हो जा रही हैं? Reflect हो जा रही हैं। तो reflection के पहले parallel थी, लेकिन आपस में reflection के पहले parallel थी, लेकिन reflection के बाद ये दोनों, ये तीनों आपस में reflect parallel नहीं हैं। इसका मतलब यहाँ पे diffuse reflection of light हो रहा है। याद रखना, आगे बढ़ते हैं। द रिफ्लेक्टेड रेज आर रिफ्रेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी, इसीलिए ये क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे। इट अकर्स ऑन रफ सरफेस लाइक बुक चेयर इटीसी। जाहिर सी बात है, ऐसी चीजें जहां पर रफ सरफेस हो, मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे चेहरे पर लाइट पड़ रही है और उस लाइट को रिफ्लेक्ट हो, वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और उसी से वो कैमरे में पड़ रही है और आप हमको उसके थ्रू देख पा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा, मेरे चेहरे से दिख तो रहा है, लेकिन क्या मेरे चेहरे पे कोई इमेज बनती हुई दिख रही है, नहीं, ऐसा नहीं भी हो रहा है ना। इसका मतलब मेरे चेहरे पे क्या हो रहा है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, आप बुक देखिए, चेयर देखिए, टेबल देखिए, दरवाजा देखिए, वॉल देखिए, सबके सब पर क्या हो रहा है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये क्या है, इन सबके एग्जाम्पल है बेटे, याद रखिएगा। इन केस ऑफ रफ सरफेस नो इमेज और ब्लर्ड इमेज फॉर्म, याद रखना, रफ सरफेस कर रहा है। इन केस ऑफ
इररेगुलर रिफ्लेक्शन. इन केस ऑफ इररेगुलर रिफ्लेक्शन नो इमेज और ब्लर्ड इमेज फॉर्म. याद रखना, अगर इमेज बहुत ब्लर बन रही है या इमेज ही नहीं बन रही है तो वहां पे क्या हो रहा होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा होगा और इसका फिगर ये है. ओके सो और एक चीज आपको नोट्स प्लस पीवाईक्यू प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चन ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ जाएगा कल. ठीक है, तो कल शाम तक, संडे को शाम तक आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारी चीजें अवेलेबल होंगी. तो बेटे आप उसको लेकर के आप अपने नोट्स पा सकते हैं, पीवाईक्यूज मिल सकता है आपको और आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे टॉपिक वाइज. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर में जो जो अभी मैंने बताया बस उसको एक पेज में मैंने इकट्ठा करके दे दिया है. आप प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए एज अ नोट्स काम करेगा. ओके आप कहेंगे तो मैं आपको ये पीपीटी भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप ये पीपीटी लेकर के आप इजिली रिवाइज कर सकते हो, उस पर सारी चीजें आपकी लिखी हुई है. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया. अब साहब अब आता है मिरर. मिरर क्या है? मिरर एक स्मूथ हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. मिरर क्या है? स्मूथ हाईली रिफ्रेक्टिव सरफेस है दैट रिफ्रेक्ट लाइट इन अ वे दैट प्रिजर्व्स मस्ट सॉरी दैट प्रिजर्व्स मस्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल क्वालिटी. कहने का मतलब क्या है कि जितनी लाइट रे इस पे इंसिडेंट होगी मिरर पे, मिरर क्या है, एक हाईली स्मूथ सरफेस है, रिफ्लेक्टिव सरफेस, जिस पर जितनी भी लाइट रेस मिलेगी ये क्या करेगा, सभी लाइट रेस को, जितने अमाउंट पे लाइट रेस आएंगी उतनी अमाउंट की लाइट रेस को ये क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा. ठीक है, मिरर कहाँ यूज होता है? मिरर पर्सनल ग्रूमिंग के लिए होता है. आप देखते हैं डेकोरेशन के लिए, आर्किटेक्चर, साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए हम लोग मिरर्स का यूज करते हैं. ओके अब मिरर आपके कई तरीके से होते हैं. तो मिरर आपके कैसे होते हैं? प्लेन मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है. मैंने फिगर रे डायग्राम के साथ यहाँ पे बनाया है. आप भी फिगर जब भी बनाएंगे रे डायग्राम के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, इस चीज को याद रखिएगा. ओके तो इससे क्या होगा कि आपका हमेशा ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेंगे, कभी परेशानी नहीं आएगी. ओके तो ये है, याद रखना कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर. क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर. तो ये क्या है? स्फेरिकल मिरर है क्योंकि ये स्फेयर के पार्ट से, हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास के पार्ट से ये मिलकर के बनते हैं. दैट्स वाई हम इनको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं. ठीक है, इस पर बहुत ज्यादा लोड देने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब पूछता उठता नहीं है. हम वही बातें करेंगे जो आपको बोर्ड के लिए आपके लिए जरूरी है. ओके तो देख लीजिए कॉनकेव मिरर क्या होता है. कॉनकेव मिरर इनवर्ड, याद रखना कॉनकेव कर्व इनवर्ड, ये कैसा होता है? कर्व होता है इनवर्ड पे, ऐसे अंदर की ओर कर्व्ड है. एंड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन इनर साइड. ये क्या है? इनर साइड है. ये क्या है? आउटर साइड है. तो आउटर साइड क्या होती है? पॉलिश्ड होती है. इनर साइड क्या होती है? इस प्लेन होती है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो इनर साइड पर होता है. डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज. बहुत खास बात है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मिरर से जो कॉनकेव मिरर है वो ऑब्जेक्ट के रियल और वर्चुअल दोनों इमेज फॉर्म करती है. लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है? द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज फाउंड बाय द कॉनकेव मिरर विल बी डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो ये खास बात है. कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज
मेकअप मिरर, याद रखना मेकअप मिरर का नाम आएगा न्यूमेरिकल समेत, इसका मतलब कॉनकेव मिरर है। सेविंग मिरर, अगर ये एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में आएगा तो सेविंग मिरर का मतलब होता है कॉनकेव मिरर। मैंने ये एग्जाम्पल इसीलिए रखे हैं क्योंकि क्वेश्चंस में जब आता है तो इसी के नाम से आता है, मेकअप मिरर या सेविंग मिरर या डेंटिस्ट मिरर के नाम से भी आता है, तो बच्चे याद रखिएगा। एंड सच एज पार्ट ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम लाइक टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में भी इसका यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है साहब? अ कॉन्वेक्स मिरर कर्व्ड आउटवर्ड, क्या होता है? कर्व्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड, एंड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन आउटर साइड। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किधर है? आउटर साइड, बाहर की ओर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, ये कैसा फॉर्म करता है? हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा दैट आर सिमिलर देन वन ऑब्जेक्ट, सॉरी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा होगा। ओके, दे आर कॉमनली यूज्ड एट साइड व्यू मिरर, बहुत बड़ा यूज है साइड व्यू मिरर या रियर व्यू मिरर दोनों बोलते हैं, वो कौन यूज करते हैं हम उसमें क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, टू प्रोवाइड वाइडर फील्ड व्यू। याद रखना खास बात यहां पे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए खास बात देखिए, जो कॉन्वेक्स मिरर होती है इसका मैं बना रहा हूं फिगर से, देखें आपको तुरंत समझ में आएगा। ये है प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर का फील्ड व्यू एरिया कितना? इतना, समथिंग डी मान लेता हूं, इसके सामने का, ठीक है। ये कौन है? कॉनकेव मिरर, इसका कितना? इतना, इसके कंपैरिजन में इसका कितना होगा? बहुत और कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका देखेंगे कॉन्वेक्स का, तो कॉन्वेक्स का फील्ड व्यू एरिया कितना होगा? इतना, ए ये, इसको बोलते हैं हम फेस एरिया, क्या बोलते हैं? फेस एरिया या फील्ड व्यू एरिया, या फील्ड व्यू एरिया। तो फील्ड व्यू एरिया या फेस एरिया जो कॉन्वेक्स का होगा वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसे हम साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, साइड व्यू मिरर के रूप में इसको यूज करने का रीजन क्या है? इसका फेस एरिया, फील्ड व्यू एरिया क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, नंबर वन। नंबर दो, ये ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाता है, क्या बनाता है? ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है और सीधा बनाता है, जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसा ही इमेज वो बनाएगा और छोटा करके बनाएगा, और फील्ड व्यू एरिया ज्यादा एरिया भी कवर करेगा। ओके, दैट्स व्हाई इसे साइड व्यू मिरर के रूप में यूज करते हैं। ओके, तो अब स्फेरिकल मिरर्स को अगर पढ़ना है तो उससे रिलेटेड कुछ कॉमन डेफिनेशन है वो हमको आने चाहिए, अगर वो आते रहेंगे तभी हम उसके लिए पढ़ सकते हैं, उसके रिलेटेड चीजों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। क्या है? पहला डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी मिरर, चाहे हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर की बात करें, ये तो कॉनकेव है भाई, और चाहे हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। अगर इसको हम कंप्लीट करें तो एक सर्कल बनेगा, ठीक है, एक तरीके का सर्कल जैसा दिख रहा है क्योंकि लाइन डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, ये भी ठीक है। अब ऐसे समझो कि हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास से मिलके बना होता है, तो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जिस हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास से मिलके बना होगा, उस हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का जो सेंटर होगा, जो क्या होगा? सेंटर होगा, वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ
a spherical mirror is the center of that hollow sphere of glass which mirror is a part. मिरर जिस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास के पार्ट से मिलके बना है, उसी हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का जो सेंटर होगा उस मिरर के लिए क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा. ओके, इस चीज को याद रखिएगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है साहब, याद रखिएगा. पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज पोल, पोल क्या है? मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल. क्या? मिरर का मिड पॉइंट ही क्या कहलाएगा? पोल. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द लाइन पासिंग फ्रॉम सी टू पी, सी और पी से होकर के जाने वाली जो लाइन होगी उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे. उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे. क्लियर है? याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं, इस पे बहुत समय वेस्ट नहीं करेंगे भाई. अपर्चर, अपर्चर क्या होता है भाई? मिरर का जो ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट, इसको आप सीधे सीधे ऐसे मिला दें और ये बोल दीजिए एम और ये एन. तो ये जो एम से लेकर के एन तक की लेंथ है इसे हम बोलते हैं मीन इफेक्टिव डायमीटर. क्या बोलते हैं? मीन इफेक्टिव डायमीटर. किसका? ऑफ स्फेरिकल मिरर. तो किसी स्फेरिकल मिरर का जो मीन इफेक्टिव डायमीटर होगा, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कोई दिक्कत नहीं है. मीन इफेक्टिव डायमीटर ये जो होगा यहां से यहां तक का, ठीक है, यही डायमीटर क्या कहलाता है? अपर्चर कहलाता है. तो अपर्चर क्या है? अपर्चर इज द मीन इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लेंस और मिरर. दोनों के लिए सेम डेफिनेशन है, तो याद रखना यही काम करेगा. फोकस क्या है भाई? फोकस है किसी स्फेरिकल मिरर पर अगर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कराएं. कैसा इंसिडेंट कराएं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे किसी स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंट कराएं तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर वो उनको कन्वर्ज करेगा, क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, वही पॉइंट क्या करेगा? क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा. क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा. या अगर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंट कर रहे हैं, जिस पॉइंट से होता हुआ वो डाइवर्ज होता हुआ अपीयर होगा. ऐसा लग रहा है ना कि ये यहीं से निकल करके ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, जबकि हो क्या रहा है? पैरेलल लाइट रे आ रही है और ये डाइवर्ज हो रही है. क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है. तो अगर हम फिगर को थोड़ा सा अच्छे से बनाएं तो आपको समझ में आएगा. ऐसे डाइवर्ज हो रही है, इसको अगर पीछे बढ़ाएं, भाई पीछे तो बढ़ा दें लेकिन पहले ये अच्छे से बढ़े तो. हाँ, अब ठीक लग रहा है. अगर हम इनको डॉटेड पीछे बढ़ाएं तो जिस पॉइंट पर ये मिल रही है यही क्या होगी? फोकस. तो हम कह सकते हैं ना कि इसी पॉइंट से ये लाइट रे निकल करके बाहर जा रही है. देखो, अगर मैं ये कहूं कि इसी पॉइंट से लाइट रे निकल के ये देखो बाहर गई, ये बाहर जा रही है. देखो ऐसे डाइवर्ज होता हुआ अपीयर हो रहा है ना, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? फोकस. फोकस कहें या प्रिंसिपल फोकस, बात सेम. ओके, चलिए. मीन इफेक्टिव डायमीटर ये क्या कहलाएगा? अपर्चर कहलाएगा. अगला, इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर पर इमेज फॉर्मेशन, तो सबसे पहला इमेज फॉर्मेशन कब है, कहां है भाई? देखिए, पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट कहां पे हो? इन्फिनिटी पे हो. तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कैसे फॉर्म होगी? देखो भाई, कॉनकेव मिरर पे पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. देखिए, अगर ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट. तो अगर लाइट रे बहुत दूर से आ रही है तो हम ये मानते हैं कि लाइट रेज आर इंसिडेंट पैरेलली.
जो लाइट रे इंसिडेंट होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलली होंगी। तो पैरेलली अगर लाइट रेज आएंगी तो हमें पता है कि अगर लाइट रेज पैरेलली आ रही हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद, पैरेलली मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास करेंगी, फोकस पे पास करेगी। कहाँ से पास करेगी, फोकस पर। यही एक नोट समझ लीजिए, नोट क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज। इमेज क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट का। तो लाइट रेज ये आई इंसिडेंट रेज, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर के ये मिली कहां पे, फोकस पे मिल रही है, इसका मतलब यहीं पर इमेज बनेगा। तो इमेज हमारा यही बन गया, आई लिख दिया मैंने एफ पर। सो अब मैं अगर आपसे बोलूं कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, जल्दी से बताइए, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, जल्दी से बताइए। तो पोजीशन ऑफ इमेज है कि सर पोजीशन जो है इमेज की वो लेफ्ट टू द मिरर है, लेफ्ट टू द मिरर यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, मिरर के सामने बन रहा है लेफ्ट में। और एग्जैक्ट पोजीशन का है एट फोकस, फोकस पे बन रहा है। ओके अगर मैं बोलूं कि नेचर क्या है, तो नेचर की कहानी ऐसी है कि लाइट रे अगर एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल इमेज बनेगा। तो इमेज यहां पे कैसा बन रहा है, नेचर कैसा है, रियल है, याद रखना रियल होगा तो हमेशा इमेज आपका इन्वर्टेड होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल के साथ साथ क्या बनेगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्या, भी इसके बाद वाला इमेज फॉर्मेशन जब बताएंगे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा भाई, इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है लेकिन इमेज जो बन रहा है फोकस पर बन रहा है, एकदम पॉइंट इन साइज बन रहा है, पॉइंट इन साइज। ऑब्जेक्ट की साइज कैसी है, पॉइंट इन साइज, इसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड। ये क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ही छोटा है, एकदम छोटू सा, क्लियर है। ओके गुड, वेरी गुड, आप सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके दूसरा इमेज फॉर्मेशन, चलिए बच्चे देखिए ध्यान से, दूसरा इमेज फॉर्मेशन कलर ले लेते हैं जिससे बार बार चेंज न करना पड़े। हाँ तो दूसरा इमेज फॉर्मेशन क्या है, When object, when object placed beyond center of curvature, object कहां रखा हो, center of curvature के beyond रखा हो। तो देखिए इसका क्या मतलब है, ये हम बना बनाया इसलिए नहीं लिए क्योंकि हम चाहते थे कि हम आपके सामने बनाएं और आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर पाएं और एग्जैक्ट वैसा ही सोच पाएं जैसे हम सोच के कर रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका रखा है बियॉन्ड सी यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में, यानी ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन बिटवीन फोकस एंड सॉरी इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो नियम क्या है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, रूल वगैरह कोई पूछता नहीं इसलिए रूल मैंने बताया नहीं, साफ साफ सुनिए। अभी नियम ये कहता है कि पहले एक पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करो ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की टिप से पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करो, और जब आप पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करोगे तो व्हेन लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। जब हम लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्या है, इसका उल्टा,
कलर चेंज कर लेते हैं। अगर लाइट रेज को फोकस से इंसिडेंट करेंगे, कहां से, फोकस के थ्रू इंसिडेंट करेंगे, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। सॉरी, रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो व्हेन वी इंसिडेंट लाइट रे थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है मेरे भाई, वहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज बनता है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट का नाम ए बी था तो ए का ए डैश कहां बना, यहां पे, और बी का बी डैश कहां बना, भाई बी पॉइंट को लेके बना रहे थे और बी पॉइंट कहां मिला हमको, यहां पे, तो बी का बी डैश लिख दिया। ओके, तो चलो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि पोजिशन ऑफ इमेज कहां है, तो सबसे पहले आप बताओ लेफ्ट में है कि राइट में, तो आंसर है लेफ्ट टू द मिरर। आंसर क्या है, लेफ्ट टू द मिरर। अच्छा, मिरर के लेफ्ट में है, लेकिन ये बताओ कहां है मिरर के लेफ्ट में, तो सी और एफ के बीच में है। देखो सी और एफ के बीच में है, तो लिख दो इन बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के क्या है, बीच में है। दूसरी बात जो पूछता है वो क्या पूछेगा, चलिए आपने पोजीशन बता दी, ये बताइए नेचर कैसा होगा। तो ये बताओ रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे एक्चुअल में यहां पर इंटरसेक्ट की है। हाँ सर, एक्चुअल में की है। ये देखिए लाइट रे एक्चुअल में आ रही है, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर एक्चुअल में आ रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को एक्चुअल में कट कर रही है, इसका मतलब रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज कैसा बनेगा, नेचर, नेचर ऑफ इमेज रियल है। और साथ साथ देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कैसा था, ऐसे, लेकिन इमेज कैसा, ओ थोड़ा पीछे जाए, हाँ इमेज कैसा, इमेज कैसा है हमारा, इमेज हमारा उल्टा बन रहा है, यानी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा है तो इमेज कैसे बन रहा है, ऐसे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, अगर एक इंसान खड़ा है ऐसे तो उसका इमेज कैसे बन रहा है, ऐसे उल्टा। अगर ये इंसान है, मैन है, तो ये क्या बन जा रहा है, बैटमैन बन जा रहा है। ठीक है, चमगादड़ नहीं होते पैर से ऊपर उल्टा लटक जाते हैं, तो ये इंसान वह बैटमैन बन जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो इन्वर्टेड का सेंस क्या है, मैन इन बिकम बैटमैन, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ओके, चलिए साहब साइज बता दीजिए, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, तो बोलेंगे diminished in size का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है इमेज। आई होप ये इतनी बातें आपको अभी तक क्लियर हो रही होंगी। बीरू अभी आप आए हैं बड़े देर से, फलक बानो टेंथ है सर, एक रिक्वेस्ट है थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए। औ ये तो प्रॉब्लम वाली बात है, बट मैं कोशिश करूंगा कि और धीरे पढ़ाऊं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल परेशान ना हो आप, धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, निश्चिंत रहें। ओके, तो ये है अगला, तीसरा, ये कॉनकेव मिरर साहब, ये पोल हो गया, ये फोकस, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ऐसे कि ध्यान से देखोगे F से P के बीच का जितना डिस्टेंस है उतना ही F से C के बीच का, यानी C और P के एग्जैक्ट बीच में मैं F बना रहा हूं बार बार, अगर आप ध्यान दे तो तभी इमेज आपका सही बनेगा।
तो तीसरा पोजीशन बनता है कि ऑब्जेक्ट जो है आपका वो कहां पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पे रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। पहला हमने कहां रखा था? इन्फिनिटी पे। दूसरा कहां रखा? बियॉन्ड सी रखा। तीसरा पोजीशन कहां बना? सी पर। तो सी पर रख दिया। रूल अपना वही है, हम उसको चेंज नहीं कर रहे। पहला लाइट रे कहां से ले जाओ? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास करेगा? प्रिंसिपल फोकस से जाएगा। ठीक है, ये सी थोड़ा इधर बना दे रहा हूं और ये लाइट रे ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर फोकस से ले जाएंगे। जब लाइट को फोकस से ले जाएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां कट करेगा? यहां पे कट करेगा। देखो, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गया, कट किया, इसको सीधे मिलाएंगे तो देख रहे एकदम सी के नीचे और बराबर बन रहा है इमेज। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो साहब पोजीशन ऑफ इमेज जल्दी बताइए। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे है? पोजीशन ऑफ इमेज आपकी बन रही है लेफ्ट टू दी मिरर एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। ओके, नेचर बताइए कैसा है, नेचर ऑफ इमेज कैसा है? लाइट रे एक्चुअल में एक दूसरे को कट कर रही है, इसका मतलब कैसा बन रहा होगा? रियल बन रहा होगा। कैसा बन रहा होगा? रियल। और ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज कैसा बन रहा है? रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। जल्दी जल्दी बताइए साइज कैसा होगा? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, इसका मतलब क्या है? सेम साइज। ऑब्जेक्ट कैसा होगा? सेम साइज का होगा, सॉरी इमेज जो होगी ऑब्जेक्ट की वो कैसी होगी? सेम साइज की होगी। तो साइज ऑफ इमेज कैसा है भाई? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ओके गुड, पुंडरिक वेरी गुड बेटे, शिवांशु केसरवानी 10th है, गुड, लुसिफर मॉर्निंग स्टॉक, गुड, चलिए अच्छी बात है। अगला फोर्थ, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहां पर रख दिया गया? ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में रख दिया गया, यानी ऑब्जेक्ट कहां रख दिया गया साहब? ये यहां पर रख दिया गया कहीं पे। ठीक है, तो रूल अपना नहीं चेंज होगा। पहला लाइट रे कैसे ले जाएंगे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा कहां से जा रहा है? ये यहां से फोकस से गया। कहां से गया? फोकस से गया, ध्यान देना। फिर फोकस से ले जाएंगे, कहां से ले गए? फोकस से ले गए। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। जहां पे मिला उसको सीधा प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे मिला दो। मिला दिए। अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? देखिए ध्यान से, आप देख पा रहे हैं कि इसका इमेज जो बन रहा है वो कहां बन रहा है? बी डैश तो यहां है, ए डैश यहां है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है? पीछे बन रहा है। कहां बन रहा है? पीछे। तो चलिए ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, पोजीशन ऑफ इमेज, तो आंसर जल्दी जल्दी आप लोग दे दिया करें, हमारा वेट न किया करें, क्योंकि आप पेन वगैरह चेंज होता है। लेफ्ट टू द मिरर बियॉन्ड सी, भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा इमेज, इसका मतलब बियॉन्ड सी है। मिरर की पोजीशन कहां है? बियॉन्ड सी, यानी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा जाएगा तो इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड सी बनेगा। अच्छा, नेचर कैसा होगा सर? नेचर देख लेते हैं, नेचर कैसा होगा? नेचर तो रियल होगा सर। क्यों? रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों लाइट रेस एक दूसरे को कट कर रही है एक्चुअल में वो,
दूसरा ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा, तो रियल है तो इन्वर्टेड तो होना ही था, तो रियल इमेज जहां बनेगी वहां तुरंत इन्वर्टेड अपने आप लिख देना, अगर इमेज इन्वर्टेड बन रही है तो वहां सीधा सीधा क्या लिख देना, रियल लिख देना, समझ जाना कि रियल होगा। साइज ऑफ इमेज अगर पूछा जाए कितना होगा, तो साइज क्या है भाई, ऑब्जेक्ट छोटा इमेज बड़ा बन रहा है तो लार्जर इन साइज, क्या बोलते हैं इसे हम, लार्जर इन साइज बोलते हैं, लार्जर इन साइज को हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज, क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड इमेज। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है, बस डोंट वरी, एंड करने वाले हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, बस लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। पांचवा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, ऑब्जेक्ट कहां पे, फोकस पे रख दिया जाए, आइए पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, फोकस पे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रख दो आप, रूल नहीं बदलेगा, पैरेलल लाइट रह गए, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगा, कहां से जाएगा, फोकस से, पोल पर इंसिडेंट किए लाइट रे, जितने एंगल से पोल पर इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल से क्या होगा, निकल जाएगा, ये बात, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद देख रही है कैसी हो गई है, पैरेलल हो गई, कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। तो अगर मैं आपसे बोलूं पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, तो आप सबसे पहले बताओगे कहां पे बनेगा, लेफ्ट टू द मिरर, कहां बनेगा, लेफ्ट टू द मिरर, कहां पर, एट इंफिनिटी, कहां बनेगा, इन्फिनिटी, लाइट रे अगर जा रही है तो ये कहां जाएगी, इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे मिलेगी, नेचर क्या होगा, देखो भाई नेचर क्या होगा, ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज हमेशा नीचे मिलेगा, इन्वर्टेड के रूप में मिलेगा तो इन्वर्टेड मिलेगा, तो जब भी ये लाइट रे यहां पे मिलेगी तो एक्चुअल में ही तो लाइट रे मिलेगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो इसको हम बोलते हैं हाईली मैग्निफाइड, क्या बोलते हैं, हाईली मैग्निफाइड इमेज यहां पे बनेगी। ओके, तो इसके बाद चीजों को याद रखिएगा, ठीक है, हाईली मैग्निफाइड, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, इन चीजों को याद रखना है बस। ओके, आगे लास्ट इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट क्या हो, फोकस और पोल के बीच में रखा जाए, तो ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया ये, ठीक है, समझना, पहली लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करती हुई अपीयर होगी, फोकस से, दूसरा जितने एंगल पे लाइट रे पोल पर आएगी उतने ही एंगल से जाएगी, तो हम देख रहे हैं कि लाइट रे इधर आ रही थी, एक दूसरे से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये कभी भी इधर नहीं मिलेंगी, तो इसको कहां बढ़ाएंगे हम, पीछे, कहां बढ़ाएंगे, पीछे, तो यहां मिलती हुई अपीयर में हो रही है, तो अगर ये ए और बी है तो ए का ए डैश हमको कहां मिल रहा है, यहां पर, इसको सीधा ऐसे मिला दो, दूसरा कलर ले ले, आप कम से कम समझ में आएगा इमेज, ये इसको सीधा ऐसे मिला दो, ये आपका क्या है, बी डैश, तो आप देख रहे होंगे ए बी का जो इमेज ए डैश बी डैश बन रहा है वो कहां बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो पोजीशन अगर मैं बोलूं इमेज की क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज, तो आंसर है सर
बिहाइंड द मिरर बन रहा है। अब वहां पे कोई ऐसा प्लेस मेंशन नहीं है, जैसे यहाँ पे फोकस और ये सब है, उधर साइड में ऐसा नहीं है, दैट्स वाई हम वहां पर कोई नाम नहीं देंगे, बस इतना ही बोलेंगे कि बिहाइंड द मिरर नेचर क्या है। नेचर देखो, लाइट रे जा किधर रहा है, इस तरफ, तो एक्चुअल में अगर मिलता तो इस तरफ मिलता, हम तो एक्चुअल में मिल नहीं रहा है, हम तो ये मान रहे हैं कि पीछे अगर ले जाए तो यहां पे कहीं मिलता हुआ अपीयर होगा, ओके, तो यहां पर इमेज बनेगी। तो व्हेन लाइट रे मीट, यहां पे कैसा हो रहा है, लाइट रेज अपीयर टू मीट, एक लाइन में लिख दे रहे हैं अपीयर टू मीट, जब लाइट रे अपीयर टू मीट होंगी तो वहां पे वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल होगा तो हमेशा इमेज इरेक्ट भी होगी, यानी इमेज अगर ऐसी रखी है तो सॉरी ऑब्जेक्ट अगर सीधा ऐसे रखा है तो इसका इमेज भी वैसा ही बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज जल्दी से बता दो, जाहिर सी बात है बड़ा बन रहा है तो मैग्नीफाइड, क्या मैग्नीफाइड, या इसी को बोलेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या इनलार्ज भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन तक आप लोग देख लीजिए, बाकी के दो तीन टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, तो हम न्यूमेरिकल के साथ अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे, बट आज की ये शुरुआत थी, आज की इन चीज़ों को देखते हैं, छोटी मोटी जो कमियां वीडियो में रही हैं उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको रिकवर कर लें, क्या कर लें, रिकवर कर लें। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि कल हम लोग अच्छी स्थितियों में मिलेंगे और आप भी क्लास में समय पर उपस्थित रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ठीक है, कोई भी क्लास को मिस नहीं करेगा, जैसा कि हम लोगों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है वो चीज़ हम भी पूरा करेंगे, और हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप भी वो आउटपुट दोगे। बायोलॉजी की क्लासेस, केमिस्ट्री की क्लासेस भी कल से विनय सर लेंगे, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा, एकदम मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि हम लोग अब आपके पीछे एक तरह से समझिए कि पढ़ गए हैं, सो आपको पढ़ना ही पड़ेगा साहब, अब कोई आपके पास विकल्प नहीं है, सो इसके लिए तैयार हो जाइए और मेहनत करिए, क्योंकि जो टारगेट है हमारा हम उसे अचीव करेंगे, नो डाउट अचीव करेंगे, ठीक है, एक नंबर भी हमें नहीं छोड़ना है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे, ओके। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं कल की डेट में एक नए उम्मीद के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए थॉट्स के साथ, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट बेटे, थैंक यू सो मच।